हेलो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आ गए फिर से वेंटिलेटर्स हम बनाने के लिए। और यहाँ पर हम आप देखेंगे कि कैसे बना रहे हैं ये और कैसे कौन सा प्रोसेस है, पूरी डिटेल में हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। और आप इस वीडियो पर बने रहिए चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है रेलिंग और जो जो भी वेंटिलेटर है यहाँ पर सबको बनाया जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे बनाया जाता है और कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सा मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, उन सभी के बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए वीडियो को देखिए और वहाँ से समझिए कि कैसे वेंटिलेटर को बनाया जाता है। तो अभी जो वीडियो है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये एक जगह है जो कारखाना समझ लीजिए, और यहाँ पर जो काम हो रहा है ये काम कंटिन्यू यहाँ पर चलते रहता है। और यहाँ पर कंटिन्यू जो वेंटिलेटर है, जो भी सीमेंट का जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर बनाया जाता है, उसको सेल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभी जो उसका मिक्सर है, वो मिक्सर यहाँ पर अभी काम चल रहा है, उसको मिक्स किया जा रहा है। इसके बाद अभी यहाँ पर जो रेलिंग होता है, रेलिंग का जो भी यहाँ पर इसका जो सांचा है या फिर जो इसका डाइस है, ये डाइस अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो सीढ़ियों में ये रेलिंग जो होता है ये वहाँ पर लगाया जाता है, और मंदिरों में भी लगाया जाता है या फिर घर की जो बरामदा होता है वहाँ पर भी ये रेलिंग को लगाया जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहले जो उसका जो ऑयल है यहाँ पर उसको दिया जाएगा। तो हम आपको यहाँ ऊपर से दिखाते हैं जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगा और आप देख पाएंगे कि आखिर ये कैसे रेलिंग जो होता है, जो सीमेंट का रेलिंग है, उसे कैसे यहाँ पर बना रहा है। देखिए, जो डाइस है रेलिंग का, उसमें जो भी सीमेंट का जो मिक्सर है उसे यहाँ पर फिल किया जाएगा डाइस के अंदर, और इसको हल्का सा इसे हिलाना है, जो जो भी मिक्सर है ये अच्छी तरह से अंदर जाके एडजस्ट हो जाए, जिससे इसका जो फिनिशिंग है ये बढ़िया आए और जो इसका लुक है वो भी अच्छा आए। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पतला सा जो वायर है या फिर रॉड है, जो रॉड जो है यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए, टूटे ना, सूखने के बाद भी और भी मजबूत रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मिक्सर है उसे अच्छी तरह से फिलअप करके, हाँ, उसे इस तरह से अच्छी तरह से फिलअप करना होता है, और फिलअप करने के बाद उसे इसी तरह झटकारिए, धीरे धीरे उसे हिलाइए, हिलाने के बाद जो भी एडजस्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, इसके बाद आप उसके ऊपर जो सूखा हुआ जो मिक्सर है, जिसमें ये सामान आप देख सकते हैं, इसमें इसे उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका कारोबार अगर आप खोलना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका जो डाइस है, डाइस को आपको पहले खरीदना पड़ेगा। जब तक आपके पास डाइस नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना डाइस के आप कोई भी रेलिंग, कोई भी वेंटिलेटर आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको पहले डाइस इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करने के बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो रेलिंग होता है इसे दो बार बनाया जाता है, दो टुकड़े को एक साथ ज्वाइंट किया जाता है। तो ये जो पहले के जो है, पहले के जो रेलिंग बनाया गया था उसका एक आधा हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है और ये सूख भी गया है, अब इसे इसके साथ ज्वाइंट किया जाएगा। तो देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे बनाया गया है। और ये देखिए, ये जो वेंटिलेटर है इसे अब यहाँ से निकाला जाएगा डाइस से, और निकालने के बाद आप इसका जो फिनिशिंग है देख पाएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जो रेलिंग है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, और इधर भी देखिए, ये जो अभी का अभी जो इसे बनाया गया, ये तुरंत ये जो ऊपर का हिस्सा ये पहले ही बन चुका है, और इसका जो अंदर जो नीचे जो डाइस है ये अभी फ़िलहाल इसे अभी के अभी तुरंत बनाया गया है। और यहाँ पर जो भी वेंटिलेटर है, जो भी है, ये अभी भी डाइस के अंदर ही है, इसे डाइस से निकाला जाएगा और उसके बाद उसे भी रखा जाएगा, सूखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं और उसे आप सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे भी हम दिखाएंगे आपको कैसे वेंटिलेटर और जो रेलिंग है इसे बनाते हैं, और इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में हम बताएंगे।
और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी डिटेल में जाना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारा जो पिछला वीडियो उसे भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।